You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Hello, my YouTube family, welcome back to my channel. तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं एक मील, और वो मील है हमारी फर्स्ट मील जो होगी हमारा ब्रेकफास्ट। तो गाइस ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी फर्स्ट मील होती है, और हमें उस फर्स्ट मील में इतने न्यूट्रिशन चाहिए, इतनी वो हमारे लिए हेल्थी होनी चाहिए जो हमें अपने फिटनेस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। बिकॉज जब हम एक लंबी नींद के बाद मीन जब 6 से 7 घंटे हम सोते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो सारे न्यूट्रिशन है वो यूज हो लिए होते हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल खाली होती है। तो उस टाइम हम जितना अपनी बॉडी को फर्स्ट मील में जितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी में भी उतना ही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो गाइस मेरे पास काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि भैया आप अपनी फर्स्ट मील में क्या कंज्यूम करते हैं। मीन्स में से जो मुझे जानते हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है, वो भी मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी हेल्थी डाइट बताओ, हेल्थी ब्रेकफास्ट बताओ जो हम तैयार भी कर सकें और हमें यूज जो खाने में भी टेस्टी हो और हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन हमें मिल जाए। तो गाइस मैं जो मील प्रिपेयर करने जा रहा हूँ वो होगी हमारी एक एग ओमलेट। एग ओमलेट में मैं कुछ अपने जो इंग्रीडियंट्स वो यूज़ करूँगा, मैं उसमें कुछ डालूंगा पालक और कुछ अनियंस, और हमारे यूज़ करूँगा मैं 8 eggs। 8 eggs में मैं यूज़ करूँगा 5 whole eggs और 3 eggs white। तो इस टाइप से हमें अपनी जो फर्स्ट मील है मीन्स ब्रेकफास्ट है उसमें हमें सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, हमें उसमें हेल्दी कार्ब्स मिल जाएंगे। कार्ब्स के लिए हम उसमें यूज़ करने वाले हैं ब्रेड, और उसमें हमें मिल जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हमें एग्स मिल जाएंगे, हमें उसमें मिल जाएगा आयरन जो हमें पालक वगैरह से मिल जाएगा, और हमें जो भी न्यूट्रिशन जरूरी न्यूट्रिशन है वो सब मिल जाएंगे, हमें उसमें हेल्दी फैट्स भी मिल जाएगा। तो ये हमारी एक कंप्लीट मील हो जाएगी जो हम अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और ये एक ऐसी मील है जिसे आप प्रिपेयर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, तो भी आप इस मील को प्रिपेयर करके अपने रेडी करके रख सकते हैं, आप कभी भी इसे यूज कर सकते हैं, इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और आपको इस मील के जरूर बेनिफिट मिलेंगे। मैं इस मील को अपने चाहे किसी भी मैं कटिंग सेशन पे हूँ, चाहे मैं बल्किंग सेशन में, मैं इस मील को जरूर कंज्यूम करता हूँ। इसमें कुछ मैं इंग्रीडियंस एक्स्ट्रा कर देता हूँ, कुछ इसमें मैं कम कर देता हूँ, तो ये मेरे गोल्स पे अचीव डिपेंड करता है मैं किस गोल पे हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरे चैनल से अप टू डेट रहे। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर जरूर फॉलो कर लें, वहाँ मैं डेली अपडेट्स करता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और प्रिपेयर करते हैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे आज के मील में जो जो चीज़ें यूज होंगी वो कौन कौन सी है। तो जो मेन चीज़ है मेन इंग्रीडियंट है वो है हमारे एग्स, तो इसमें मैंने ले रखे हैं 8 eggs, जिसमें से मैंने ले रखे 5 whole eggs और 3 eggs white, यानी 5 तो मैंने कम्प्लीट एग्स ले रखे हैं और 3 eggs white मैंने ले रखे हैं, उनका येलो पार्ट मैंने निकाल रखा है। और उसके बाद जो हम ले रहे हैं उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ब्रेड, मैं ले रहा हूँ 4 slices ब्रेड की, जो आप ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जैसे आपको भूख है। बिकॉज जो ब्रेड है वो हमें कार्ब्स के लिए लेनी है, कार्ब्स का वो लिए हमारे लिए काम करेंगी और एक अच्छा कार्ब्स हमें मिल जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ अपने जो ब्रेड ओमलेट में मैं यूज़ करता हूँ अपनी पालक। पालक मैंने अपने काट के रख रखी है पहले से ही, तो इसमें मैं लगभग 8 से 10 leaf अपनी पालक की यूज़ करता हूँ जो मैंने अपनी चॉप करके रख ली है। और उसके बाद जो ऑनियंस हैं जो अपनी आमलेट के लिए नेसेसरी हैं जो यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी के लिए आपको चाहिए एक फ्राई पैन, फ्राई पैन में आप अपना कोई भी ओलिव ऑयल जैसा आप यूज़ कर सकते हैं, आप अगर लीन पे हैं तो आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको गेनिंग
टाइम है, आपका गेन करना है, तो आप इसमें अपना जो सरसों का ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है, ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपको यही चीज़ यूज़ करनी है, कि आपको ऑलिव यूज़ करना है या आपको घी या तेल ऑयल यूज़ करना है। तो हम कर लेते हैं अपने एग्स को मैश। बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूं अपनी अनियंस, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूं अपनी पालक। पालक की मैंने आपको बताया था 8 से 10 लीफ मैं यूज करता हूं। काफी बंदों को लीफ जो पालक की जो लीफ है यानी पालक है वो अच्छी नहीं लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी, बट जब न्यूट्रिशंस की बात हो तो मेरे लिए टेस्ट मैटर नहीं रखता। हर चीज़ जो न्यूट्रिशन से फुल होती है वो टेस्टी नहीं होती, जाहिर सी बात है, जहाँ न्यूट्रिशंस मिलेंगे वहाँ टेस्ट थोड़ा कम मिल सकता है। तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आप इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। उसके बाद ऑनेस्टली से मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, मैं सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें ऐड करता हूँ। आप इसमें टेस्ट के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस रेसिपी को या इस मील को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसमें अपना थोड़ा सा साल्ट और हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालता। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम इसे खाएंगे तो आपको थोड़ा सा टेस्टलेस लग सकता है। तो आप इसमें अपने नमक या जो अपना साल्ट है वो, और आप इसमें हल्दी थोड़ा सा डाल सकते हैं, हल्दी आप कलर के लिए डाल सकते हैं, बाकी इसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। हमें इसको अच्छे से फैट कर लेना है, मीन मैश कर लेना है। हमारी अनियंस, पालक और जो हमारे एग्स हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं, अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद हमें अपने जो फ्राई पैन है एग्स को जब आप फ्राई पैन में डाल दें, उसके बाद आप इसके ऊपर ब्रेड ऐड करें। ब्रेड आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपको भूख हो, आप जितना आपको अपना कंज्यूम कर सकें। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको राय दूंगा आप होल व्हीट ब्रेड यूज़ कीजिए या आटा ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। मैदे वाली ब्रेड से आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज वो थोड़ा हेल्थ से ठीक नहीं होती। तो हमने इसमें ऐड कर दी है अपनी ब्रेड। अब इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगी इसे प्रिपेयर होने में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ऑमलेट है वो इस टाइप की है, मैंने इसके ऊपर ब्रेड ऐड कर दी है। फन टाइम। मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, बट मैं अपनी मील्स खुद प्रिपेयर करता हूँ, अपने आप प्रिपेयर करता हूँ। अपनी मील्स प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, और आपको अपनी मील जब आप चाहे उस टाइम प्रिपेयर यानी तैयार मिल जाती है। किसी के भरोसे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने काम खुद कीजिए, अपनी मील्स खुद तैयार कीजिए। जितनी आप अपने लिए करेंगे, अपनी मील्स अपनी तैयार करें, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारी ऑमलेट अभी रेडी हो चुकी है। तो गाइस तैयार है हमारी ऑमलेट, और ये ऑमलेट है मेरे लिए सबसे बेस्ट, जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो सबसे बेस्ट मैं इसे अपने मानता हूँ। मैं अपने ब्रेकफास्ट में इसे हमेशा यूज़ करता हूँ, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में हूँ, मीन्स कटिंग पे हूँ, चाहे लीन पे हूँ, चाहे गेनिंग पे हूँ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट फूड है, मीन्स फर्स्ट मील है जो मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ करता हूँ। और आप इसे टेस्ट के लिए इसमें आप कोई केचप या फिर आप इसमें टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करता। मेरे को यही एक मील है वो एस टी जी ही टेस्टी लगती है,
इसके साथ आप अपना कोई भी ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं या कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं जो आपको सूट करे। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने तैयार की हमारी फर्स्ट मील और जो थी सबसे हेल्दी और बेस्ट मील। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और बंदे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और गाइस अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है फिटनेस से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मुझे भी वेट रहता है कि आप कौन से कमेंट करें ताकि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकूं, आपकी जो हेल्प है वो अपने तरीके से कर सकूं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, स्टे फिट स्टे हेल्दी।